सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है एक जर्नी व्लॉग, बिकॉज मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ दिल्ली जोधपुर एक्सप्रेस पे, जो कि एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ICF कोचेस के साथ। फ़िलहाल हूँ मैं यहाँ दिल्ली सराय रोहिला के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। सुबह के बज रहे 6:50 और हमारी ट्रेन ये खड़ी है 22421 दिल्ली जोधपुर एक्सप्रेस। ICF कोचेस है इसमें और आज का सफ़र होने वाला है मेरा AC 2 टायर में, तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। ये चलते हैं कोचेस के अंदर, लेट्स सी हाउ इट गोज। देख चुके ना मैं तेरी दस देखे तो ना है, तू भी बना ले मिट्टी दिल्ली कैंट से फाइनली ट्रेन अराइव हो चुकी है। और AC कोचेस के रिगार्डिंग इतनी कम भीड़ नहीं है जितनी स्लीपर कोचेस में थी, बट ये पहला स्टॉप है हमारा, टाइम पे है ट्रेन, लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है, सुबह का टाइम है तो इतनी भीड़ भी नहीं है, बट आप जैसे आगे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल सेकेंड सीटिंग की कोचेज है उनमें काफ़ी भीड़ है। ये है फर्स्ट AC का कोच, ये फर्स्ट AC का कैबिन है जिसमें 4 सीटें होती हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और प्राइवेसी होती है इसमें ज़्यादा। बिल्कुल साफ़ सुथरा है, गेटेड आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई है नहीं तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बढ़िया। आप देख सकते हैं फर्स्ट AC का कोच, वही फैसिलिटीज़ हैं, चार्जिंग सॉकेट है, अटेंडेंट कॉलिंग बेल है, और ओवरऑल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कोच है। और ये फर्स्ट AC का कॉरिडोर, और एक ही कोच है यहाँ पे फर्स्ट AC का, और एक ही कोच है सेकेंड AC का जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। और ये है फर्स्ट AC का कूप ट्विन सीटिंग के साथ, इसमें 2 बेड हैं, स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे भी आपको चार्जिंग सॉकेट और अटेंडेंट बेल मिल जाएंगे, आपका अपना प्राइवेट रूम और एक छोटी सी अलमीरा भी है यहाँ पे मैंने देखा अभी। अच्छी पेंटिंग्स भी लगा रखी है, ऑल इन ऑल अ गुड कूप फॉर 2 पीपल। यहाँ पे इंडिकेटर्स भी हैं लाइटिंग के लिए।
और ये रेवाड़ी से डिपार्चर होता हुआ फ्री ट्रेन खड़ी है यहाँ पे WDG 4G लोकोमोटिव के साथ। डीजल लोको शेड गांधीधाम। रेवाड़ी एक जंक्शन है, यहाँ से दो लाइनें चली जाती हैं आगे अगर हम दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं। पहली लाइन अलवर राजस्थान और जयपुर की ओर, दूसरी लाइन लोहारू महेंद्रगढ़ की ओर जहाँ पे हम अभी बनने वाले हैं। तो अभी हमारी ट्रेन सदौलपुर जंक्शन से पहले रुक गई है कहीं रास्ते में, काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 मिनट हो चुके हैं। ट्रेन अभी तक ऐसे खड़ी हुई है, शायद कोई क्रॉसिंग होने वाली है बट वो शायद उस साइड से होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं यहाँ पे तो कोई ट्रैक्स है नहीं, तो शायद आगे से कोई सिग्नलिंग का इशू हो, कोई ट्रेन हो। बट अभी 10-15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और सदौलपुर जंक्शन से पहले हमारी ट्रेन को रोक दिया गया है, देखते कितना टाइम लगता है। मीनवाइल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, दोपहर के 11, दिन के 11 बज रहे हैं बट धूप का कोई नामो निशान नहीं है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और फाइनली ट्रेन चल पड़ी है, कुल 20 मिनट रुकी रही है यहाँ पे। सादलपुर जंक्शन पहुंच गई है हमारी ट्रेन, 10 मिनट की डिले से चल रही है, देखते हैं यहाँ से कितने बजे कब स्टार्ट है। और अब यहाँ से डिपार्चर हो रहा है हमारा सादलपुर जंक्शन से। यहाँ पे शायद ट्रैक अपग्रेड का काम चल रहा है, शायद इस वजह से हमको रोका गया हो, बट प्लेटफॉर्म तो ये नहीं लिया था हमने, बट हो सकता है शायद इस वजह से हमको पहले रोक दिया गया। तो अभी देखते हैं सादलपुर से डिपार्चर।
अभी हमारा रतनगढ़ से डिपार्चर हो रहा है। रतनगढ़ पहुंच गई थी ट्रेन 2 मिनट पहले, 2 मिनट का ही हॉल्ट था यहाँ पे। अब यहाँ से डिपार्चर हो रहा है, ट्रेन अभी अराउंड 10 मिनट देरी से चल रही है। बट मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान में मैंने सोचा था कि शायद इस वक्त साल के इस वक्त गर्मी ज़्यादा रहेगी, बट मानसून का असर साफ देखने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छा मौसम। बारिश वाल तो नहीं हुई है बट बादल छाए हुए हैं और जिस तरीके से छाँव ज़्यादा है और हवा चल रही है तो बहुत अच्छा मौसम। रतनगढ़ एक जंक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन्स हैं। और अभी हमारा ट्रेन का परिहार से डिपार्चर हो रहा है। का हॉल्ट है यहाँ पे और आज का मेरा सफ़र यहीं तक ही है। मैं जोधपुर तक ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, सुजानगढ़ तक ही कर रहा हूँ और आई होप आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा। सामने एक रिकवरी वैन आई थिंक खड़ी हुई है। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा स्टेशन है सुजानगढ़, और मेरा भी सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। तो थैंक यू वेरी मच ये ब्लॉग देखने के लिए, मैं आपसे मिलूंगा एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।